यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी साथियों का आज के शानदार सेशन में स्वागत है, जहां पर स्पेशल वेबिनार आज यूईएस का होने वाला है, जहां पर हमारे चीफ गेस्ट हैं जो कि रिस्पेक्टेड अनिंद्य मिश्रा सर एंड रिस्पेक्टेड सुजीत सर हमारे बीच में हैं, जिनसे आज हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। और हम सभी लोग जानते हैं कि सर की बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती है, सेमिनार्स होती हैं। तो आज यहाँ पर जो आज का सेशन है यूईएस का स्पेशल, हर बुधवार को जो हमें एक शानदार चीज मिलती है ट्रेनिंग के माध्यम से कि हम अपने बिजनेस को परमानेंट कैसे किस ग्रोथ में ला सकते हैं। तो आज सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ऑलरेडी 1000 की संख्या पूरी हो चुकी है टाइम से पहले, तो सबसे पहले तो हम यूट्यूब का, यूईएस का यूट्यूब जो ऑफिशियल चैनल है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, इसको अपनी अपने अपने सारे ग्रुप्स में आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें, ताकि कोई भी साथी आज के इस सेशन को छूट ना जाए, कोई भी साथी इस सेशन से, क्योंकि इतनी एजुकेशन हम सभी लोगों को आज मिलने वाली है, जिससे हम अपने बिजनेस में परमानेंट ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जूम के कुछ एटिकेट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई भी अनावश्यक चैट ना करें यहाँ पर, कोई भी अनावश्यक चैट ना करें। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी साथियों से, JRCM, ये सारी चीजें, क्योंकि आज जो हमें चीजें मिलने वाली है, उन सभी चीजों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। प्रॉपर ड्रेस कोड में सभी साथी तैयार हो जाएं, डायरी और पेन के साथ तैयार हो जाएं। आप अपने वीडियो को ऑन करके रखें, फोन को ऐसे आड़ा करके इस हॉरिजॉन्टल मोड में रखें, ताकि आपकी पूरी फोटो सेशन में आ सके, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, हजारों लोग आपको इस सेशन पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हजारों लोग जो यहाँ पर ऑलरेडी 1000 की संख्या क्रॉस हो चुकी है जूम पे, हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। और जो साथी हमारे यूट्यूब के चैनल पर आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन साथियों का भी स्वागत है। अब 3 मिनट का समय हमारे बीच में बचा है, क्योंकि 8:30 में ठीक ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, और इसलिए मैं चाहता हूं एक बार सभी साथी अपनी अपनी टीम का फॉलो अप कर लें, दो दो चार चार साथियों को मैसेज कर लें, टेक्स्ट कर लें, ताकि आज का सेशन कोई मिस ना कर पाए। क्योंकि यकीन मानिए आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, क्योंकि आज हमारे बीच में दो ऐसे डायनेमिक कोर लीडर हैं जिन जिन्होंने ना ही मिसाल कायम किया है, बल्कि उनकी स्पीड बताती है कि हम लोगों को बहुत चीजें सीखने की जरूरत है, और हम लोग सीखते भी आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो साथी अभी भी ड्रेस कोड में नहीं है, एक बार ड्रेस कोड में आ जाए, डायरी पेन के साथ बैठे, आज के सेशन को एकदम कंसंट्रेट होकर, एकदम ध्यान लगाकर आज के सेशन को अटेंड करना है। चेक करें आपकी टीम के कौन से साथी नहीं आए हैं, उन सभी साथियों को आज के सेशन में लेकर आए, और उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा जो अनप्रोफेशनल वे में यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्रोफेशनल वे में ड्रेस कोड में आ जाएं, तो इस सेशन की शान और बढ़ जाएगी। और एक बात, हमेशा मुस्कुराते हुए इस सेशन को अटेंड करें। रिस्पेक्टेड सभी कोर लीडर्स का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं जो भी आज हमारे साथ में मौजूद हैं, क्योंकि हम एक ऐसी कार्यशाला में जहाँ हमें रोज नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, रोज प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमें मिल रही है। RCM एक पहली ऐसी कंपनी, हमारे लिए प्राउड का विषय है कि RCM एक ऐसी पहली कंपनी है जो इतने बड़े लेवल पे एजुकेशन पे काम कर रही है, और एजुकेशन एंड नॉलेज इज पावर कहते हैं। हम लोग हमेशा से सीखते रहते हैं अपने ट्रेनर से, अपने लीडर से, कि एजुकेशन पावर है। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग और इस तरीके के नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जाए, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि RCM जैसा सिस्टम हमारे बीच में है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि RCM गैस में ऐसे ऐसे कोर लीडर्स हमारे बीच में जो भी हैं, तो हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है, हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हम एक ऐसे सिस्टम के पार्टनर हैं, हम एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जहां हमें इतनी चीजें सिखाई जा रही है हमारे लिए, हमें परमानेंट ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए। तो 8:29 हो गए हैं, 1 मिनट का वक्त मात्र रह गया है, तो हम सभी साथी लास्ट में एक बार चेक करें कि आपके कौन से साथी नहीं आए हैं। यूट्यूब का लिंक सभी ग्रुप्स में शेयर करें, कि मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आज का प्रोग्राम माइंड ब्लोइंग होने वाला है, क्योंकि हमने सर दोनों सर सर के फिजिकल प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, तो जो चीजें सर ने दी है ना, आज हम अगर उनका कुछ भी इस्तेमाल कर लिए, तो हम इस बिजनेस में सर के लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत मदद मिलने वाली है। तो हम सब लोग अब ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, 8:30 होने में कुछ ही सेकंड बाकी हैं, तो सभी साथी जो हमारे बीच में है, एक बार जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच हम वेलकम करेंगे। हमारे बीच में रिस्पेक्टेड सुजीत सर हैं, सर प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू अमित सर, प्लीज वेलकम बेस्ट सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट और वेलकम। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत सारे सीनियर कोर साथी हैं, मैं सभी को नमन करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा।
और एक शानदार परंपरा जो हम लोगों के सिस्टम में शुरू हुई है। मुझे लगता है कि जैसे आज टॉपिक है बिजनेस ग्रोथ को लेके, तो आप सिर्फ यहाँ पे एक मजबूत फोकस बनाए रखिए तो बहुत बड़े ग्रोथ की तरफ आप सारे के सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और जो चीजें हमें समझनी है वो ये कि आमतौर पर यदि देखा जाए तो कोई एक कारण नहीं होता है बिजनेस में आगे बढ़ने का, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें प्रभावित करते हैं, हमें ग्रोथ देते हैं या फिर हमें रोक देते हैं। अब ऐसे में यदि हमें आगे बढ़ना है तो कुछ मुख्य चीजों पे हम लोगों को ध्यान देना होगा, और वो मुख्य चीजें कौन सी हो सकती है आज मैं डेफिनेटली आप सभी लोगों के बीच में शेयर करूंगा। तो अगेन मैं वापस उस मैसेज को रिपीट करना चाहूंगा कि अभी भी आपके कुछ साथी यदि पेंडिंग है तो काइंडली अपने यूएस के लिंक को आप सभी जगह पर फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि लोग आज के इस प्रोग्राम को मिस ना कर पाए। अब बात करते हैं ग्रोथ की। दोस्तों देखिए, लंबा अनुभव रहा है इस बिजनेस के अंदर मेरा, और मैंने जो चीज सीखी है मेरे सीनियर अप्लायंस से, रिस्पेक्टेड टीसी सर से, और उससे भी कहीं ज्यादा जो पीछे किताबें दिख रही होंगी आप सभी लोगों को, इन किताबों से तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है जिनके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति चाहे तो कहां से ग्रोथ कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, जैसे कि हम आए दिन एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं, तो एक्सरसाइज करने का एक उद्देश्य होता है कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना। तो समझने की बात यह होती है कि यदि एक्सरसाइज हम में से कोई व्यक्ति 2 साल करे और 2 साल अच्छा खाना खाए तो वो कितने दिनों तक स्वस्थ रह सकता है? शायद 2 साल तक या उससे कुछ ज्यादा तक। जैसे ही उसकी आदत बिगड़ती है उसका सेहत बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो बिजनेस में यदि एक मजबूत ग्रोथ चाहिए तो एक चीज तो आप सभी लोगों को अपने ध्यान में रखना ही होगा, ध्यान में रखना ही होगा कि किसी भी स्थिति में हमें हमारी आदतों को खराब नहीं होने देना है, लगातार मेहनत करनी है, और लगातार जो चीजें आपको बताई जाती है उनको हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ने के ऊपर काम करना है। क्योंकि कामयाबी को लेके कुछ चीजें मैं आप सभी लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। एक बहुत ही पुरानी बात है, मैंने एक किताब पढ़ी थी उसके अंदर ये बताया गया था, वॉरेन बफेट का वो एक कोटेशन था कि जब समुद्र से ज्वार वापस जाता है ना तब पता चलता है कि कौन से व्यक्ति कितने कपड़े पहन के तैर रहे थे। और इसका अभिप्राय यह है कि देखिए, जब तक पानी ऊपर तक रहता है ना अपने को पता नहीं चलता है कि खामियां किसके अंदर है, कहाँ पे है और कितना है, लेकिन जब वो चीजें हटती है, जैसे पानी घटता है तो चीजें बाहर निकलती है। समटाइम क्या होता है कि जब बिजनेस हमारा नीचे आता है तो हमारी कमियां हमें पता चलना शुरू होता है, बावजूद इसके हमें से कुछ लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, और जो लोग ध्यान दे लेते हैं वो अपने बिजनेस में काफी आगे बढ़ जाते हैं। तो यूं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें मौजूद है जो कि हमारे बिजनेस को काफी तेज गति से ग्रोथ दिलवा सकती है, लेकिन कुछ मुख्य पॉइंट मैं आप सभी लोगों के बीच में अभी रखना चाहूंगा जिसपे ध्यान देके आप में से कोई भी व्यक्ति काफी बड़े अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ग्रोथ यदि हासिल करना है कंसिस्टेंसी के साथ तो जो हमारा फोकस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, कुछ मुख्य बिंदुओं पे मैं चर्चा आप लोग के बीच में करना चाहता हूं। सबसे पहला है गेट न्यू कस्टमर्स। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हमारी शुरुआत होती है वो अकेले से होती है। अब हमें यदि पीवी चाहिए उसके लिए भी लोग चाहिए, कस्टमर्स चाहिए, हमें नेटवर्क चाहिए उसके लिए भी हमें लोग चाहिए, कस्टमर्स चाहिए। तो एक माइंडसेट जो हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा जो भी प्रयास हो वो इस डायरेक्शन में तो हर हमेशा हो कि हम न्यू कस्टमर्स को अपने लिस्ट में शामिल करते रहें, न्यू कस्टमर्स को हम लगातार तैयार करते रहें, बनाते रहें और अपने प्रोडक्ट उन तक पहुंचाते रहें। ऐसा करने से क्या होता है कि हम लगातार आगे बढ़ते रहते। बट यहाँ कुछ चीजें हैं जिसपे हम सभी लोगों को ध्यान देना है, वो ये कि यदि हम नए के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हमारे पुराने खत्म ना हो, इसके लिए हमें एक और चीज पे फोकस करना होता है, वो होता है रिटेन कस्टमर्स। यानी कि हमने कई बार ये चीज देखा है कि हम एक तरफ से लाते रहते हैं दूसरे तरफ से लोग जाते रहते हैं, एक तरफ से लोग लाते रहते हैं दूसरे तरफ लोग जाते रहते हैं। तो रिटेन की स्किल यदि हम डेवलप नहीं करेंगे तो ये तय मानिए कि हम कभी भी इस बिजनेस में ग्रो हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो नए रिजल्ट तो लाएंगे लेकिन हमारे पुराने रिजल्ट जो है वो खत्म होते जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, एक ही जगह पे खड़े रहने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी एक डायरेक्ट सेलर के साथ।
तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है, नंबर वन गेट न्यू कस्टमर एंड नंबर टू रिटेन कस्टमर्स एंड नंबर थ्री यदि मैं आपसे बोलूं तो ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है जिसपे कि हम लोगों का फोकस होना चाहिए, वह इंक्रीज कंज्यूमर बाइंग। ध्यान नहीं होता है हम सभी लोगों का, यहाँ पे मैं थोड़ा ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि देखिए हम में से बहुत सारे लोग ना इस इंडस्ट्री में आते ही लीडर लीडर खेलना शुरू कर देते हैं, और हकीकत क्या होती है कि लीडरशिप मानने की चीज नहीं होती, बनने की चीज नहीं होती है। ये दुनिया जब हमें मानती है तभी हम एक लीडर होते हैं, हम खुद को अपने आप में लीडर मान ले तो हम कभी भी लीडर नहीं होते। और मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि एक बड़ी टीम होने के बाद भी, ज्यादा लोग होने के बाद भी, उनका जो फोकस होता है ना वो चंद लोगों पे होता है। जबकि आप पैरेटो के सिद्धांत पे नजर डालें तो वो हमेशा इस बात को बोलते हैं, 80-20 के रेशियो पे आप नजर डालें, 80-20 के प्रिंसिपल पे आप नजर डालें, तो उनका हमेशा से कहना होता है कि हमारे 20% वर्क ही 80% रिजल्ट देते हैं। और ऐसे में एक डायरेक्ट सेलर अपने 80% वर्क को प्लान करना शुरू कर दे जहां से कि रिजल्ट आना होता है, तो मुझे लगता है ना कि फिर बगैर किसी लीडर के भी वो काफी बड़े व्यापार को खड़ा कर सकता है। एक लाइन मुझे आज भी याद है, रेस्पेक्टेड बीसी सर हम लोगों के कंधे पे हाथ रख के बोलते थे कि सुजीत एक व्यक्ति चाहे इस इंडस्ट्री में अकेले अपने दम पे 1 करोड़ का वॉल्यूम तैयार कर सकता है। मैं अगेन ये रिपीट करना चाहूंगा, एक व्यक्ति अकेले अपने दम पे 1 करोड़ का वॉल्यूम तैयार कर सकता है, इसके बाद मैनेज करने के लिए लोगों की शायद उसको जरूरत पड़े। हम में से बहुत सारे लोग ना छोटे वॉल्यूम आने के बाद ही कार्यों का ना बंटवारा करना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि जो हमारी परफेक्ट वर्किंग है वो परफेक्ट लोगों तक ना पहुंच के लिमिट लोगों तक ही होके सिमट के रह जाती है, और इसकी वजह से क्या है हम बहुत बड़े रिजल्ट्स की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। आप यदि अपने रिपर्चेज लिस्ट को चेक करें, हैरान हो जाइएगा कि सबसे ज्यादा संख्या आप अपने खरीदारों की देखेंगे तो शायद ऐसा लगे कि वो 1 रुपए से शुरू होकर 200-250-300 वालों के बीच में आके खत्म हो जाते। एक एवरेज में बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी लोग व्यक्ति का थोड़ा कम हो थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन एक ऑन एवरेज जो चीजें है वो मैं बता रहा हूँ। अब देखने वाली बात क्या होती है कि हम में से कई लोगों के टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कम वॉल्यूम करके ही इस बिजनेस में रुके हुए हैं। अब ऐसे लोगों को हमने क्यों छोड़ रखा है और किसके भरोसे छोड़ रखा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कैसे कोई व्यक्ति 200 वॉल्यूम की खरीदारी करके, पीवी की खरीदारी करके पीयूसी से बाहर चला जाता है और हमें से कोई प्रॉपर फॉलोअप तक नहीं करता, एक बार पूछता तक नहीं है कि आपकी इस कम खरीदारी का रीजन क्या है, क्या सामान आपको नहीं मिला, या सामान आपको समझ में नहीं आया, या कीमत आपके समझ में नहीं आई, या फिर सर्विस आपके समझ में नहीं आई, आखिर रीजन क्या है। तो ये सब चीज पे जब तक हमारा ध्यान नहीं जाएगा, यानी कि करने का क्या मतलब है, जो काम हमें करने चाहिए वो काम तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जो अनावश्यक काम जिसकी हमें अभी तत्काल जरूरत नहीं है उन कामों को हमने करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कि हम बहुत बड़े रिजल्ट्स की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो बिजनेस में यदि ग्रोथ चाहिए तो देखिए नेटवर्कर की सबसे बड़ी संपत्ति कॉन्टेक्ट होता है, और कॉन्टेक्ट का ये मतलब नहीं है कि कॉन्टेक्ट आपका वही है जो आपका है, आपका कॉन्टेक्ट वही है जो आपकी टीम का कॉन्टेक्ट है, जो आपकी टीम है। और ऐसे में आप अपने रिपर्चेज लिस्ट पे गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रखिए, मैं स्पष्ट बोलूंगा कि गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रखिए, और जो भी लोग खरीदारी, आज इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं हम लोगों के पास में, इतना सारा वंडरवर्ल्ड क्विक है हम लोगों के पास में, अब तो जो पहले के जमाने में हम लोगों के दौर में जिस तरह की पीयूसी हुआ करती थी, आज उससे बेहतर बेहतर डिस्प्ले वाले ओपन होने लग गए। और ऐसे दौर में यदि हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो सारा मामला कहीं ना कहीं हमारा फीका पड़ना है, चाहे हम कितने भी लोगों की ज्वाइनिंग करा दें, एक ना एक दिन ऐसे ही लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी चूक हो रही है। लोग आ रहे हैं कुछ करने की इच्छा के साथ, देखिए इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है ना तो 1-2% लोग हो सकते हैं जो हमारी आपकी बात को रखने के लिए, भावनाओं का सम्मान करने के लिए ज्वाइन करते हैं। मैक्सिमम लोग आरसीएम के प्लान को देख के ही इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन शुरुआती चैलेंजेस की वजह से शायद वो बहुत लंबे टाइम तक टिक नहीं पाते। और इसके पीछे वजह क्या होता है, क्वालिटी पीपल का फॉलोअप ना होना, और ये यदि काम होने लग जाए, एक क्वालिटी पीपल जो चाहता है बिजनेस में काफी बड़ा करना, वो अपने कंज्यूमर को बाइंग के लिए इंक्रीज करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आप यहीं से तैयार कर सकते हैं। कि छोटा सा आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, आप में से कोई भी साथी पेन पेपर यदि लिए होंगे तो देखिए नेटवर्कर को हमेशा ना कैलकुलेटिव होना चाहिए, आंकड़ों पे उसकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जब हमारे टीम में 50% से ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी खरीदारी बिलो 200 पीवी है, तो आप जरा सोचिए सिर्फ ऐसे लोगों को
हम 2500 या 5000 पीवी पे ले आने में सफल हो गए तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बिजनेस कितना गुना बढ़ जाए। आज जिस प्रयास से आप जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं ना, उससे कम से कम 20 गुना ज्यादा आपका वॉल्यूम अभी आना शुरू होगा। और इसके लिए आपको लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये आज के आज रिजल्ट देने वाला प्रोजेक्ट है यदि आपने लोगों की खरीदारी बढ़ाने पर फोकस करवाना शुरू कर दिया तो। नेक्स्ट, एक्सपेंड ब्रांड अवेयरनेस। देखिए, आज आरसीएम के प्रोडक्ट किसी पर्चे के मोहताज नहीं, क्लास वन और ग्रेड वन के प्रोडक्ट हम लोगों के पास में है, बहुत ही शानदार लैब टेस्टिंग के मार्फत से गुजर के ये हम लोगों के बीच में आते हैं। और हम सभी लोग जब प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उस टाइम जो कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है वही ये बता देता है कि एक एक प्रोडक्ट, एक एक ब्रांड हमें कितना बड़ा टर्नओवर दे सकता है। बट हमारा फोकस कहीं ना कहीं इन चीजों पर नहीं होता है, जैसे हमारे पास हरी संजीवनी है, जैसे हमारे पास न्यूट्री चार्ज है, जैसे हमारे पास कीसोल है, और भी बहुत सारे हमारे पास में ब्रांड्स हैं। ऐसे में यदि हम वर्किंग को डाइवर्सिफाई करके करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं कई बार लोगों से मिलता हूं, लोग बात बोलते हैं कि सर मेरा बिजनेस शायद गांव में ज्यादा है इसलिए उतना ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है जितना कि मिलना चाहिए। अरे भाई, गाँव में कौन रहता है? खेती वाले लोग हैं। आपने खेती वाले प्रोडक्ट को वहां प्रमोट किया? नहीं किया। जिन लोगों की टीम शहर में है वो परेशान है कि यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है, तो जिनके पास टाइम नहीं है उनका सेहत भी ठीक नहीं, तो वहां पे आपने नोटिस जज प्रमोट किया क्या? नहीं किया। तो ऐसे में क्या होता है कि आज दुनिया में देखिए, हॉस्पिटल ना होटल की तरह खुलने लग गए। किसी भी शहर में आप जाइए, चाहे वो शहर छोटा हो चाहे वो शहर बड़ा हो, आज बीमारी इतनी तेज बढ़ रही है कि मतलब एक व्यक्ति पहले के जमाने में जो कमाता था ना वो छोड़ के जाता था, आज एक व्यक्ति जब यहां से जाता है तो अपनी कमाई भी लेके जाता है और पिताजी की कमाई भी बिकवा के जाता है। ये स्थिति हो गई है बीमारी की। और ऐसे में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब लोगों को कितना लाभ पहुंचाते हैं, ये इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं तो बार बार अपने मीटिंगों में बोलता हूँ कि आरसीएम के प्रोडक्ट को किसी साथी ने यदि साल दो साल भी यूज कर लिया है, वो अपने हम उम्र के सामने खड़ा हो जाए, वो 5 साल उससे छोटा ना लगे तो बोलिएगा कि मैंने कुछ कहा था। ये ताकत है हमारे प्रोडक्ट्स के। तो हम यदि ब्रांड को सही तरीके से लोगों के सामने रखना शुरू करें तो आरसीएम करने का मेरे हिसाब से आज के डेट में, देखिए मैं पैसे के लिए आया था, मैं टाइम फ्रीडम के लिए आया था, मैं मनी फ्रीडम के लिए आया था, ये बात सच है। बट आज के डेट में मैं किसी को आरसीएम बताता हूँ या आप में से किसी को आरसीएम बताना चाहिए तो मेरे हिसाब से सबसे पहली बात जो करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि उम्र बढ़ जाएगी। उम्र, जी हाँ, आपके बच्चे की उम्र बढ़ जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, आपकी पत्नी की बढ़ जाएगी, आपके पिताजी की बढ़ जाएगी, सारे लोगों की उम्र बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की वितरण व्यवस्था ऐसी जहां की डुप्लीकेसी हो नहीं सकती है और जिस वजह से आप अपने घर से बीमारियों को दूर ले जा सकते हैं। तो देखिए, इस पर हम जितनी भी बातें करें शायद वो कम है, आज चूंकि लिमिट टाइम है हमारे पास में तो सीमित समय में ही हमें बातचीत को रखना है। तो एक और पॉइंट, जैसे कि पहला गेट न्यू कस्टमर, दूसरा रिटेन कस्टमर, तीसरा इंक्रीज कंज्यूमर बाइंग, जिसके ऊपर हम सभी का फोकस। मैं कहता हूं कि आखिर किसी की हिम्मत कैसे हो जाती है कि 52 पीवी करके दुकान के बाहर निकल जाता है और हम और हमारी टीम मिलके करते क्या है ये बताइए। ज्वाइनिंग का खेल खेलते हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान। मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि कैसे एक व्यक्ति कम खरीदारी करके निकलता है हीरे के खदान से। आपका बच्चा यदि 2 हीरा लेके निकले तो आप उसे प्यार कीजिएगा या फटकारिएगा? ईमानदारी से बताइए। सोने के खदान में आपकी पत्नी जाए और 2 ग्राम सोना लेके निकले, आप प्यार कीजिएगा या उसको फटकारिए? जवाब आप सभी के पास है। तो हमारे हीरे और सोने के खदान में लोग आते हैं और कैसे इतने कम में संतोष के साथ चले जाते हैं, इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए इस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि यदि आपने इस पे काम कर दिया ना तो अगले 2-3 साल भी एक नई ज्वाइनिंग आप नहीं कराते तो भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आपका तैयार हो सकता है। और आखिर में जो इस स्लाइड का मैं प्रेजेंटेशन आपके पास देने वाला हूं वो है इंक्रीज सोशल एंगेजमेंट। बड़ा ही शानदार प्रोग्राम आदरणीय डीसी सर का मॉर्निंग में चलता है, इवनिंग में चलता है। और मेरा ये मानना है कि आप जिन भी लोगों को यहाँ पे ले आइए वो आपको धन्यवाद जरूर बोले। कुछ मिनट का ही सेशन एक व्यक्ति की जिंदगी में कितना फर्क डाल देता है ये चमत्कार आपको देखना है। तो उन सेशंस के माध्यम से जिन लोगों ने अपने अंदर बदलाव किए हुए हैं ना,
उनको देखने के बाद आपको इसकी वैल्यू समझ में आती है। और इसलिए अपने सोशल एंगेजमेंट को ना बढ़ाना है हमें, क्योंकि देखिए नेटवर्क में जब हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हम काम करें, तो चाहे हम रिटेल को प्रोजेक्ट करें, चाहे हम ज्वाइनिंग को प्रोजेक्ट करें, चाहे हम टीम वर्किंग को प्रोजेक्ट करें, ये सारा का सारा जो कहानी शुरू होना है ना, वो सोशल एंगेजमेंट के मार्फत ही शुरू होना है। तो इस चीज के ऊपर हम जितने भी मजबूत तरीके से काम करें साथियों, शायद ये उतना ही कम होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए अपना बिजनेस है कंज्यूमर्स और हमारा फोकस होता है लीडर्स के ऊपर, और इसी वजह से बहुत सारे लोग जिस गति से उनको बढ़ना चाहिए उस गति से बढ़ नहीं पाते। और यहां मैं थोड़ा आपसे ही करना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा कि आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कंपनी प्रोडक्ट सिर्फ चंद लीडर्स के लिए बनाती है या कंज्यूमर के लिए बनाती है? अपने आप में जवाब दीजिए। कंपनी WW क्विक या वंडर वर्ल्ड सिर्फ चंद लीडर्स के लिए खोलती है या कंज्यूमर के लिए खोलती है? कंज्यूमर्स के लिए खोलती है। बहुत अच्छा। इतना ही नहीं, आपसे एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमारा मार्केटिंग प्लान डिजाइन हुआ पड़ा है, ये लीडर को दिखाने के लिए है या कंज्यूमर को दिखाने के लिए? बहुत बढ़िया, कंज्यूमर के लिए ही। हमारा जो सिस्टम इतने बेहद तरीके से लगातार दिन रात काम कर रहा है, लोग पसीने बहा रहे हैं। रेस्पेक्टेड टीसी सर को मैं काम करते हुए देखता हूं, मैं बड़ा प्रेरित होता हूं उनको काम करते हुए देख। तो आप ये बताइए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो हमारे सपोर्ट के लिए काम कर रहा है, ये चंद लीडर्स के लिए काम कर रहा है या कंज्यूमर्स के लिए काम कर रहा है? जवाब होगा कंज्यूमर्स के लिए। और इतना ही नहीं, मैं आपसे एक आखिरी चीज पूछना चाहता हूं, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा वॉल्यूम आपको लीडर्स देते हैं या कंज्यूमर देते हैं? कंज्यूमर देते हैं। भैया फोकस कहां है? कहां पे? देखिए कहानी जाननी है रामायण की और देख रहे हैं महाभारत, ये कहानी हो रही है। और इस वजह से जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, शायद हम उस रिजल्ट की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो देखिए हमारे पास संसाधन बहुत है। मैंने बार बार कहा इधर उधर कहीं कुछ सीखने की जरूरत नहीं। आप मेरे पीछे ये किताबें देखिए, आज जो बात आप सुनने आए हैं आप पढ़िए, 100% सफलता ग्रोथ कैसे लाना है ये अपने आप आपके समझ में आ जाए। चुनौतियों से मुकाबला पढ़िए। मैं अभी आपको बता दूं, मेरे पास ये किताब अभी भी पड़ी हुई है, इसमें आप जाइए पेज नंबर 91 विशिष्ट सेना की तैयारी, यही हेडिंग ही आपको दिखेगा। और ये किताब सर ने आज नहीं लिखी है, ये कई सालों पढ़ी, यानी किताबों को पढ़ के और पढ़वा के हम लोग यहाँ तक पहुंचे। विशिष्ट सेना की तैयारी, एक बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों के पास, यार टीम कैसे बनाए, ग्रोथ कैसे हासिल करें। और मुझे लगता है कि सिर्फ 4 पेज को पढ़ लीजिए ना, आपका सारा सोल्यूशन आपके हाथ में होगा और आप खुद से एक बहुत बड़े वॉल्यूम की तरफ आगे बढ़ जाइएगा। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है जिसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। डीप एजुकेशन का कोर्स आप अपने लोगों को कराते हैं? नहीं, ध्यान ही नहीं जाता। अपन तो ऐप खोलते हैं सिर्फ बिजनेस देखने के लिए, डीप का जरूरत हमें कहां है? और मैं आपको बता दूं कि आप यदि इसके ऊपर फोकस करते हैं बहुत बड़े रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्ट की नॉलेज टीम को दीजिए दोस्तों, प्रोडक्ट का डेमो टीम को सिखाइए, प्लान प्रेजेंटेशन लोगों को सिखाइए, सर्विस प्रोवाइड कराइए, मजबूत फॉलोअप रखिए, कंपनी प्लान प्रोडक्ट अपलाइन के साथ तालमेल बिठा के काम कीजिए। पता चला कि कंपनी का प्रोजेक्ट कुछ और है और आपका प्रोजेक्ट कुछ और है, ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। जिस सिस्टम में है उसके सिद्धांतों को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट प्रमोट भी नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, BTF बुक स्टेप फंक्शन, हम में से मैक्सिमम लोग इसको प्रमोट ही नहीं करते। आज अमित जी आपको रिक्वेस्ट करें कि आप लिंक फॉरवर्ड कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। जब भी प्रोग्राम हो आरसीएम का, करोड़ों लोग हमारे ऐसे हैं, लाखों लोग हमारे ऐसे हैं जो बड़ा बनने के लिए आरसीएम कर रहे हैं लेकिन बड़ा सीख नहीं सकते। वो ना सुबह के सेशन में आ सकते ना शाम के सेशन में आ सकते, वो बस कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी आदतों में है। तो मैं तो बार बार बोलता हूं कि इधर उधर भटकने के बजाय अपनी स्थिति क्या हो गई है, वो कस्तूरी वाले मृग की हो गई है कि कस्तूरी तो अपने अंदर है लेकिन भाग रहे हैं चारों तरफ। तो इतनी सारी कस्तूरी आपके सामने है, मुझे लगता है कि इन किताबों को पढ़ के, और छोटी छोटी मजेदार किताबें हैं, और ये इतनी मजेदार किताबें हैं कि ये सिर्फ डेडिकेटेड बुक है किस लिए, आपको कामयाब करने के लिए कि आप इस बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को यदि हम अपने जीवन में लागू करें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम सभी के सभी लोग बहुत बड़े रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने तो पहले ही आप लोगों को कहा कि देखिए नेटवर्क का सिद्धांत चलता है कि दोस्त बनाइए धन कमाइए, जितने ज्यादा लोगों को दोस्त बनाएंगे उतने ज्यादा इस बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। प्यार कीजिए लोगों से, प्यार कीजिए अपने प्रोडक्ट से, प्यार कीजिए अपने सिस्टम से,
और ये सब चीज यदि आपने करना शुरू कर दिया डेफिनेटली बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि देखिए जब किसी व्यक्ति के पास सफलता आती है ना और वो ये मान लिया कि मैं सफल हो गया तो उसकी कहानी वही रुक जाती है दोस्तों। इसलिए सीखने के ऊपर निरंतर आप काम करते रहिए और सीखने के लिए हम लीडर्स की बात छोड़िए, हमारे रेस्पेक्टेड टीसी सर आप हमारे बीच में आ रहे हैं, तो यदि हम उनको यदि उनके प्रोग्राम्स में अपने लोगों को लाए, खुद को लाए, तो बहुत बहुत सारी चीजें हम सभी लोगों को सीखने को मिल सकती है। तो देखिए आज चूंकि हमारे बड़े कलीग मित्र हमारे साथ में है और बहुत ही रेयर केस में हम लोगों की मुलाकात होती है, अच्छा ये लगता है कि हम लोगों ने एक दौर में इस बिजनेस की शुरुआत की। मैं कभी उनको देख के चार्ज होता था, अब पता नहीं वो मुझे देख के चार्ज होते थे या नहीं होते थे, ये उनका विषय हो जाता है, लेकिन मैं उनको देख के पर्सनली बहुत ज्यादा मोटिवेट होता था। उनको देख के एक ताकत होती थी कि चलो अपने जैसा कोई व्यक्ति इस बिजनेस में है जो काफी बड़ा करना चाहता है। तो मैं अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए माइक्रोफोन उनको हैंड ओवर करने के लिए अमित जी को बोलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं अगेन आप सभी लोगों को याद दिलवाना चाहता हूँ कि देखिए कंज्यूमर पे फोकस रखिए और काम करने में भरोसा रखिए। क्योंकि देखिए हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी अजीब सी समस्या है, हमारे मैक्सिमम लोगों के का जो सबसे मजबूत हथियार है ना वो बहाना है, किसी के पास टाइम का बहाना है, किसी के पास ना करने का बहाना है, किसी के पास प्रोडक्ट ना मिलने का बहाना है, किसी के पास पीयूसी दूर होने का बहाना है। तो ये बहाने जितने जल्दी हम अपनी जिंदगी से निकाल सके हम उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आगे फिर मिलेंगे और नई चीजों के साथ मिलेंगे, तो अभी के लिए बस इतना ही। ओवर टू अमित सर, थैंक यू, जय श्री। थैंक यू सो मच सर, और आपने सर बहुत ही कम समय में जैसा कि हमेशा से आप एकदम सटीक वो चीज दे देते हैं हम सभी लोगों को, जितने भी पॉइंट सर आज आपने लिखवाए हैं मैंने सारे के सारे पॉइंट नोट कर लिए। और सर हम जब देखते हैं ना अपनी टीम में, आप जब बात कर रहे थे तो मैं डेटा ही देख रहा था सर कि 80% लोग तो सर खरीद ही नहीं करते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे सर। और अगर उन लोगों पे हम लोग फोकस करें तो हमारे पास रियल में सर हमारे पास हीरे पहले से हैं, हम उनको बस उस खदान से निकालने की जरूरत है। और बिल्कुल सर कि कोई भी कैसे पीयूसी वाला वो 50 पीवी करके 100 पीवी करके जाने देता, अगर हम सभी लोग ये जिम्मेदारी ले लें तो सबका बिजनेस में जो है ना सर चार चांद लग जाएगा। थैंक यू सो मच सर, मैंने आपके सारे पॉइंट नोट कर लिए हैं सर, और इन सारे पॉइंट्स पे सर पूरी टीम के साथ काम करेंगे सर, और बिजनेस में भी 100% अगर काम किया तो सर ग्रोथ आएगी। आपने बोला सर आदत, आदत जिस तरीके से हम बनाएंगे अपनी वैसे ही हमारा बिजनेस बनेगा सर। आपने बोला कि टीसी सर की किताबें, सर टीसी सर की किताबें बिल्कुल सर हम अगर पढ़ेंगे सेशन में आएंगे तो बिल्कुल वहां पे लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं सर सुबह के सेशन में बिल्कुल। और आपने एक बहुत शानदार बात कही सर कि दोस्त बनाए नेटवर्क का सिद्धांत है और इसमें बिजनेस में आप आगे बढ़ जाएंगे। तो हम सभी साथियों को आज सर के एकदम छोटे से सेशन में इतना खजाना मिल गया है कि अगर इन्हीं बातों को हम अगर अपने अंदर सभी लीडर्स डाल लें तो हम सब लोगों का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच सर, दिल की गहराइयों से वंस अगेन सर थैंक यू सो मच। और अब हम लोग इसी करीब में आगे चलते हैं, हमारे बीच एक और डायनेमिक पर्सनैलिटी है, तो हम सब लोग एक बार फिर से डिजिटल क्लैपिंग के बीच वेलकम करेंगे रिस्पेक्टेड कोर लीडर अनिंद मिश्रा सर, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू अमित सर, सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि आज मीटिंग में सबसे पहले मेरे को ही बुलाया जाएगा, क्योंकि सुजीत सर को देख के हमेशा मैं सीखता था और आज भी मैं सीखता हूँ और हमेशा सीखता रहूंगा। सबसे बड़ा जो चीज है सुजीत सर के अंदर के उनका टीम और उनके साथ में डिसिप्लिन, जो मैंने ऑल ओवर इंडिया नहीं बल्कि मतलब और भी दूसरा कोई कंपनी अगर है तो उसमें भी मैं चेक करके देखता हूँ कि सुजीत सर के साथ उनके टीम का जो डिसिप्लिन है किसी और टीम के साथ में नहीं है। और सुजीत सर ने जैसे मेरे को बोला कि सर मेरे को देख के मोटिवेट होते थे, लेकिन असली मायने में सर मैं आपको देख के मोटिवेट होता था और आपने सर रास्ता मेरे को दिखाया और मैं बिल्कुल आप ही के कदम पे मैंने चला और आज मैं सर इस लेवल पे हूँ। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को मिला है, जो टॉपिक के ऊपर मैं बातचीत करना चाहूंगा कि बाज जो होता है ना, बाज अपना घोंसला से जो नरम घास होता है ना उसको उठा के वो फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा अगर कंफर्ट जोन पे अगर अपना लाइफ को जिएगा तो फिर वो दुनिया को जीत नहीं सकता है। तो अपने टीम में सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंफर्ट जोन पे जी रहे हैं। आज सुजीत सर ने एक बहुत बढ़िया मुद्दा उन्होंने उठाया कि लोग 200 रुपया का प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं, लोग 400 रुपया का मार्केटिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से सर जो भी साथी कंफर्ट जोन पे जी रहे, मतलब जो अपने लाइफ में संतुष्ट है, वो इस इंडस्ट्री के अंदर या अपने लाइफ के अंदर
या किसी भी अपॉर्चुनिटी के अंदर वो कामयाब नहीं बन सकते। तो अगर डेफिनेटली अगर कामयाब बनना है तो सिस्टम को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और सिस्टम के ऊपर अगर बातचीत करेंगे सर, तो सबसे मेन जो सिस्टम का जो सबसे बोल सकते हैं कि रीढ़ का हड्डी है, जिसके ऊपर काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है सर मीटिंग सेमिनार इवेंट। आज आरसीएम इंडस्ट्री के अंदर या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, सुजीत सर और अमीर सर भी हैं साथ में, डेफिनेटली आप मेरे बात से अप्रिसिएट होंगे कि आज कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति अगर कामयाब है वो बिना मीटिंग से कामयाब नहीं हो सकते। आज अगर आरसीएम के अंदर कोई रॉयल्टी अचीवर है तो मीटिंग से सर रॉयल्टी का जन्म होता है, मीटिंग से सर टेक्निकल का जन्म होता है, मीटिंग से सर एम्ब्राड का जन्म होता है, और मीटिंग से सर स्टार रूबी और सेफायर का जन्म होता है, और मीटिंग से ही सर डायमंड का जन्म होता है। तो जो साथी मीटिंग को इग्नोर करते, मैं एक चीज मेरा जो भी टॉपिक है इसको स्टार्टिंग करने से पहले मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपके लाइफ का 1000 प्रॉब्लम का सलूशन है एक मीटिंग, लेकिन आप नहीं जानते वो मीटिंग कौन सा डेट में होगा और वो मीटिंग कौन सा लीडर लेंगे, लेकिन उस मीटिंग में आप अगर बैठ जाएंगे आपके टीम के साथ में तो डेफिनेटली आपका लाइफ चेंज हो सकता है। तो मीटिंग सेमिनार इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर सर अगर एडवर्टाइजमेंट सिस्टम को हटा दिया जाए तो वो सिस्टम कभी कामयाब नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर मीटिंग सेमिनार और इवेंट और ट्रेनिंग सिस्टम को हटा दिया जाए तो ये इंडस्ट्री कभी कामयाब नहीं हो सकता है। तो मीटिंग सेमिनार सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, एसोसिएट बायर जितने भी साथी यहाँ पे हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आज अगर इस लेवल पे मैं पहुंचा हूं तो मेरा एक ही चीज के ऊपर मैं फोकस मैं हमेशा मैं करता था और आज भी मैं करता हूं और हमेशा मैं करता रहूंगा कि वो है मीटिंग सेमिनार इवेंट। और पिछले जब भी एनिवर्सरी प्रोग्राम हुआ था लगभग 3 साल पहले, और उस पूरा इंडिया के बीच में मैंने एक कोटेशन मैंने अनाउंसमेंट किया था, नो मीटिंग नो बिजनेस, मोर मीटिंग मोर बिजनेस। तो मीटिंग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है सर इस इंडस्ट्री में। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, सर आप कामयाब बनना चाहते हैं सर, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करके ही लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर, आप अगर किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप अगर किसी और के लिए काम करें, आप अगर 200 PV का अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने अपलायन के लिए काम करें। अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप अपने अपलायन की कामयाबी के लिए काम करें। आप अगर सर इस बिजनेस को सीरियसली नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप किसी और के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अगर किसी और के लिए काम करते हैं तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हार्ड वर्क करके इस इंडस्ट्री के अंदर और अपने लाइफ में किसी भी ग्राउंड में आप कामयाब नहीं बन सकते। आपको सर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क का मतलब है सर कि कोई आपके लिए काम करे तभी जाके आपका स्मार्ट वर्क हो सकता है। और स्मार्ट वर्क अगर करते हैं सर आप, डेफिनेटली आपका सारा सपना पूरा हो सकता है। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज से लगभग 20 साल पहले 2002 28 अक्टूबर को मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, और जिस समय मैंने ज्वाइन किया था मेरा ग्रेट स्पॉन्सर ग्रेट अपलाइन मिस्टर एनएच खान साहब ने मार्केटिंग प्लान दिखाया, और मेरा एक ड्रीम था, खान साहब रेलवे में नौकरी करते थे और मेरा एक ड्रीम था कि आरसीएम बिजनेस के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे को महीने में 5000 रुपये इनकम लेना। लेकिन जैसे जैसे मैंने मीटिंग को अटेंड किया, जैसे जैसे इस माहौल के अंदर मैं बैठा, जैसे जैसे इस आरसीएम बिजनेस को मैंने जिया, मैं एक ही चीज कहता हूं सर, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे आज इस मीटिंग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं सर कि आप काम करेंगे तो आपको इस इंडस्ट्री में कामयाबी मिलेगी, आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। मैं एक ही चीज कहूंगा सर कि मेहनत करने से और काम करने से इस इंडस्ट्री में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। जब तक आरसीएम आपके लिए मिशन नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं बन सकते। जब तक आरसीएम मतलब आप अगर आरसीएम कर रहे हैं और आपका ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है तो आप कामयाब नहीं बन सकते हैं। जिस दिन आपका ब्लड ग्रुप आरसीएम पॉजिटिव हो जाएगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको कामयाब बनने से रोक सकता है। तो अपना जो ब्लड ग्रुप है ना उसको आरसीएम पॉजिटिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आरसीएम पॉजिटिव तभी होगा जब बार बार आप मीटिंग सेमिनार के अंदर बैठेंगे सर। आज सर सक्सेस का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, मैं हमेशा अपने अप्लायंस में सीखता हूं, सुजीत सर से मैंने बहुत कुछ मैंने सीखा,
और मैं एक ही चीज मैं कहूंगा सर कि पूरा दुनिया जो है असफल लोगों की दुनिया है, पूरा दुनिया जो है ना नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए असफल लोगों की दुनिया है। और इस असफल लोगों को अगर इस इंडस्ट्री में आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही काम, एक ही बैलेंस आपके लिए काम करेगा, वो है मीटिंग, सेमिनार और इवेंट। बिना मीटिंग में सर आप असफल लोगों को, नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव नहीं कर सकते। आप बाहर में जाएंगे सर, वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, आप बाहर में जाएंगे वहां पे आपको कार्बन मोनोक्साइड मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ आपको मीटिंग सेमिनार से ही मिल सकता है। तो अगर असफल लोगों को आप इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, उनको ऑक्सीजन देना चाहते हैं सर, तो मीटिंग सेमिनार को छोड़ के आपका कोई भी दूसरा सिद्धांत काम नहीं कर सकता है। आप अगर इस इंडस्ट्री के अंदर किसी को डायमंड क्लब में लाना चाहते हैं, आप किसी को अगर सुपर डायमंड में लाना चाहते हैं, आप किसी को अगर स्टार डायमंड पे लेना लेके आना चाहते हैं, तो मीटिंग सेमिनार एक बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसलिए मैं सर हमेशा एक चीज मैं कहता हूं कि जैसे क्रिकेट में अगर कैच मिस हो जाता है ना तो मैच मिस हो जाता है, जैसे क्रिकेट में कैच मिस होने से मैच मिस हो जाता है, ठीक उसी तरीके से आरसीएम इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक मीटिंग मिस करने का मतलब है कि आपका पूरा मैच मिस हो सकता है। आप एक साल पहले रॉयल्टी अचीवर बन सकते थे, आप छह महीने पहले टेक्निकल अचीवर बन सकते थे, लेकिन आपने एक मीटिंग मिस कर दिया, इसका मतलब है कि आपको 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो नेवर मिस मीटिंग सेमिनार इवेंट, मीटिंग के ऊपर सर फोकस करें। देखिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो एक ही काम करना पड़ेगा। अभी सुजीत सर बोल रहे थे कि यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। आप चाहेंगे सर सुजीत सर के बैंक अकाउंट से पैसा चोरी नहीं कर सकते, आप चाहेंगे तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा चोरी नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो सुजीत सर के मीटिंग में बैठ के उनका नॉलेज चोरी कर सकते हैं और वही नॉलेज आपके बैंक अकाउंट में तब्दील हो सकता है। तो आपको अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब बनना है, यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा सर। आप अगर सीखने के लिए तैयार हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा, लर्निंग इज बोरिंग प्रोसेस। ये जो सीखना है ना, अभी सुजीत सर बोल रहे थे टीसी सर का चुनौती से मुकाबला, जो किताब मैंने बहुत बार मैंने रिपीट किया और एक किताब को एक बार पढ़ के कभी भी उस किताब का सारा नॉलेज आपको नहीं मिल सकता है। आप अगर एक किताब को बार बार नहीं पढ़ेंगे, एक लेसन को बार बार नहीं पढ़ेंगे, तो उस किताब का सार, उस किताब का जो मोरल है, उस मोरल को तभी समझ में आएगा जब बार बार आप पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लर्निंग जो है वो वेरी बोरिंग प्रोसेस है, वेरी वेरी बोरिंग प्रोसेस। आज अगर आप सर मूवी देखते हैं ना, आप अगर मूवी देखते हैं तो 3 घंटा का मूवी कब खत्म होता है, कब शुरू होता है पता ही नहीं चलता है। और आप बहुत एंजॉयमेंट के साथ उस मूवी को देखते हैं, लेकिन सर 15 मिनट अगर किसी को किताब पढ़ने के लिए बोला जाए ना तो फिर उसको उबासी आ जाता है, उसको नींद आना लग जाता है सर। तो किताब पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मीटिंग सेमिनार इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से। देखिए जिस काम को करने में मजा आता है ना, उस काम को करके कोई जीवन में अमीर नहीं बन सकता। ताश खेलने में सबको मजा आता है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मैं देखता हूं जो मेरे गांव के अंदर जो सबसे अमीर लोग हैं, जो सबसे ईमानदार लोग हैं, जो सबसे पैसा वाला लोग हैं, वो कुछ नहीं करते, ताश खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ताश खेल के ही लोग अमीर बन सकते हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि जिस काम को करने से आपको मजा आता है, उस काम को करके आप लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। उस काम को करना पड़ेगा आपको और उस काम को अपना आदत में डालना पड़ेगा जिस काम को करने में आपको मजा नहीं आता। मीटिंग में बैठने में मेरे को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बार बार मैं मीटिंग अटेंड किया तो मेरे को अच्छा लगना शुरू हो गया, और जिस दिन मीटिंग अच्छा लगना मेरे को चालू हो गया उस दिन मैं इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी अचीवर बन गया। जिस दिन किताब पढ़ना मेरे को अच्छा लग गया उस दिन मैं इस बिजनेस के अंदर टेक्निकल अचीवर बन गया। जिस दिन डायमंड क्लब करना मेरे को अच्छा लग गया उस दिन मैं इस बिजनेस के अंदर एमराल्ड अचीवर बन गया। तो सर जो काम करने में मजा आता है, देखिए आज एक ही चीज मैं कहूंगा कि आज ये पूरा देश का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, अपना एजुकेशन सिस्टम। हर एक पेरेंट्स, मम्मी पापा हमेशा हम लोगों को भी सिखाते थे कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब।
मैं बंगाली कल्चर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा पिताजी बोलते थे पढ़ाशुना करे जे गाड़ी घोड़ा चोरे से, मतलब जो पढ़ता लिखता है वो गाड़ी घोड़ा चढ़ता है। लेकिन पिताजी ये नहीं बोला कि बेटा जो पढ़ता लिखता है और सिर्फ पढ़ता लिखता ही है, सिर्फ पढ़ता ही लिखता है, सिर्फ मार्क्स के लिए काम करता है, एडुकेशन लेता है, वो सरकारी बस में ही चढ़ता है, वो अपना कार का खुद का मालिक नहीं होता है। मैं एक ही चीज कहूंगा सर, ये जो मेंटेलिटी है ना, इसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लोग पढ़ लिख के गधा बन रहे हैं सर। आज हर एक पेरेंट अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ लिख के तेरे को नौकरी करना है, लेकिन हर एक पेरेंट नहीं बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ लिख के तेरे को मालिक बनना है और लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी देना है। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ लिख के आपको मालिक बनना है और हजारों लाखों करोड़ों लोगों को आपको नौकरी देना है, एक ही इंडस्ट्री है सर, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और वो है आरसीएम बिजनेस, जिस इंडस्ट्री के माध्यम से ये मीटिंग सेमिनार में सर माहौल बनता है। आज अपने बिजनेस के अंदर सर, जैसे रॉयल्टी को हम लोग प्रमोट करते हैं, टेक्निकल को प्रमोट करते हैं, डायमंड को प्रमोट करते हैं, स्टार रूबी को प्रमोट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वाइटल लेबल, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि वाइटल एक ऐसा लेबल है जहां पे कभी काम करने का मन करता है और कभी छोड़ने का मन करता है, कभी काम करने का मन करता है और कभी छोड़ने का मन करता है। लेकिन इस लेवल में अगर कोई व्यक्ति टिकना चाहता है, अपने आप को संभालना चाहता है, तो ऐसे माहौल पे बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही माहौल आपको फिर दोबारा एक मौका मिल रहा है 13 नवंबर आरसीएम की एनिवर्सरी प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में आप अटेंड होके इस माहौल को और इस इतिहास की साक्षी आप बन सकते हैं। तो इस माहौल में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिजनेस बहुत मुश्किल, मुश्किल क्या है इसको समझिए। आरसीएम के अंदर मुश्किल काम क्या है, आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे या 10 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उनमें से एक आदमी कहेगा नो, बहुत अच्छा आदमी है वो, बहुत सच्चा आदमी है वो, जो कहेगा नो मेरे को नहीं करना है या मेरे को इस प्रोडक्ट को नहीं लेना है। दूसरा एक आदमी कहेगा यस, मेरे को आरसीएम ज्वाइन करना है या आरसीएम का प्रोडक्ट को मेरे को इस्तेमाल करना है। लेकिन सर सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम इस बिजनेस के अंदर क्या है कि 8 लोग ऐसे आपको इस इंडस्ट्री में मिल जाएंगे जो मनी मन सोचेगा कि मेरे को आरसीएम नहीं करना है और आपको भी मैं करने नहीं दूंगा, और वो बार बार आपको रोकने का प्रयास करेगा। लगभग जो है आज से 12 साल पहले सुजीत सर का एक मीटिंग मैंने अटेंड किया था और आज भी वो कोटेशन मेरे को याद है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये मेंढक को तोलने जैसा बिजनेस है। एक मेंढक को तराजू में उठाएंगे तो दूसरा कूद जाएगा। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप किसी भी व्यक्ति को अगर प्लान दिखाएंगे तो सर 8 आदमी ऐसे आपको मिल जाएंगे जो लोग आपको रोकने का काम करेगा। और उस आदमी से अगर बचना चाहते हैं, अगर आप उस समय अपने सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ एनर्जी को, अपने अंदर जो पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन है उसको ठीक रखना चाहते हैं, तो मीटिंग सेमिनार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर। मीटिंग सेमिनार को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है, लोग बोलते हैं सर मीटिंग में आने का क्या मतलब है, टीसी सर का सुबह वाला मीटिंग हो रहा है, शाम का मीटिंग हो रहा है, हर बुधवार को मीटिंग हो रहा है, तो मीटिंग में क्या सिखाया जाएगा, उससे बढ़िया है कि मीटिंग देखने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम में मैं किसी को प्लान दिखा दूं और वो आदमी ज्वाइनिंग कर ले। लेकिन ज्वाइनिंग इज ओनली 1%, ज्वाइनिंग कराने से सिर्फ आपको 1% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको 99% रिजल्ट चाहिए सर, वो मीटिंग और सेमिनार से ही आपको मिलेगा। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आप कामयाब बनना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे 2 डॉगी का फोटो आप देख रहे हैं, एक डॉगी जो है उसका पूंछ जो है अंदर घुसा हुआ है और एक डॉगी देख रहे हैं जिसका पूंछ जो है ना मोबाइल की टावर की तरह है। सर वो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बंद है सर आपका। सर आ रहा है अगेन से। आ रहे सर? हाँ बिल्कुल आ गए। तो अब आगे सर, इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर आप कामयाब बन सकते हैं। और जब तक आप मीटिंग सेमिनार को अटेंड नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होगा। तो मीटिंग सेमिनार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस इंडस्ट्री में। बिना मीटिंग के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। सुजीत सर ने बहुत सारा टॉपिक के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया। एक चीज मैं बताऊंगा कि नए लोगों को ज्वाइनिंग करा के आप बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा नहीं कर सकते हैं।
बल्कि आपके टीम में जो पुराना साथी है, जो लोग आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं या आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति अगर ये जिम्मेदारी उठा ले कि हर महीने में मेरे को दो पुराना लोगों को जगाने का काम करना है, अगर इसके ऊपर इस फॉर्मेट के ऊपर काम कर लेंगे सर, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल सकता है और बहुत कम समय के अंदर आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे को मौका मिला। मैं फिर दोबारा अमीर सर को इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज सर, वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर, और बिल्कुल आज जो हमें जानकारी मिली है, आपने जिस तरीके से पूरी तरह से डिटेल में बताया कि हमें किस तरीके से स्मार्ट वर्क की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्क की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। तो हम लोग स्मार्ट वर्क करने का सर ने जो तरीका हमें बताया, वो बताया कि अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो वो हार्ड वर्क है, और कोई बहुत सारे साथी हमारे लिए काम कर रहे हैं तो स्मार्ट वर्क है, और हर कोई आज ये चाहता है कि कोई हमारे लिए काम करे। और भी सर ने बहुत सारी चीजें बताई, मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलेगी। बहुत सारे साथी हमारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आरसीएम को हम मिशन मानकर काम करेंगे, उस दिन असल में बड़ी कामयाबी मिलेगी। और जिस दिन हमारा ब्लड ग्रुप आरसीएम पॉजिटिव होगा, उस दिन से हमारी बड़ी कामयाबी आएगी। और असफल लोगों से पूरी दुनिया भरी पड़ी है सर, अगर हमको वहां से उन असफल लोगों को उठाकर इस माहौल में लाना है, तो उसका जो एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे बीच में, सर ने बहुत बढ़िया से उसको फोकस किया कि मीटिंग, सेमिनार और इवेंट। इसमें लोगों को, हर नए साथी को, जितने ज्यादा से ज्यादा साथियों को हम यहाँ पर लेकर आएंगे, तो हम उन असफल लोगों को उस दुनिया से, इस आरसीएम की दुनिया में ला पाएंगे और उनको एक कामयाबी की तरफ आके आगे ले जा पाएंगे। इस बहुत ही एक अच्छा पॉइंट सर ने हमें बताया कि यू हैव टू लर्न, और उसके आगे जो सर ने वर्ड यूज किया कि ये एक बहुत बोरिंग प्रोसेस है, बिल्कुल सही सर ने कहा कि सीखना मतलब आगे तो सब बढ़ना चाहते हैं लेकिन सीखना कोई नहीं चाहते, बदलना सब चाहते हैं लेकिन खुद में बदलाव कोई नहीं लाना चाहता। तो आज हमने रिस्पेक्टेड सुजीत सर से जो चीजें सीखी, और सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि कैसे कंज्यूमर को फोकस करना है, हमें रिटेन करना है, हमें इंक्रीज कंज्यूमर बाइंग को हमें बढ़ाना है, अपनी टीम में मैक्सिमम परचेजिंग को फोकस करना है, एक्सपेंड ब्रांड अवेयरनेस को, अपने ऑलरेडी आरसीएम एक ब्रांड है उसको और ज्यादा हमें आगे फैलाना है, इंक्रीज सोशल एंगेजमेंट, जैसे सुबह का सेशन होता है जिसके बारे में रिस्पेक्टेड सुजीत सर ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को हमें वहां लाना है। उसके बाद फिर अनिल मिश्रा सर ने हमें ये सारे टॉपिक बताए जो हम सब लोगों ने सीखा यहाँ पर। तो हमने तो दोनों सर के पॉइंट्स को एक एक करके नोट कर लिए हैं सर, और आज से इस पर फोकस करेंगे। तो उम्मीद है आज बहुत सारे साथियों को बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसा गुड़ मिल गया है कि हम लोग अब रियल कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं अब उन सारे साथियों से आज हम लोग बातचीत करेंगे जिन्होंने आज प्रॉपर वे में आज हमारे साथ बैठे हैं, ड्रेस कोड में बैठे हैं, सिस्टमेटिक वे में बैठे हैं, क्योंकि एक ये नेशनल प्लेटफॉर्म है, तो सिस्टमेटिक वे में जो साथी बैठे हैं हम उनसे आज उनका फीडबैक लेंगे और क्या संकल्प लेते हैं हम लोग आज के इस प्रोग्राम से, हम लोगों ने क्या सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी, उसको अपनी जिंदगी में, अपनी टीम में, अपने बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सभी साथियों का आज लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम चलते हैं लखन सर के पास। सर प्लीज वेलकम। और मैं दिल से धन्यवाद सर का, सुजीत सर का मैंने फिजिकल सेमिनार अनुपुर में भी अटेंड किया था, और अनु मिश्रा सर को आज मैंने सीखा कि सुजीत सर से कि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है ग्राहक है, और हम जिसको भूल जाते हैं। तो मैं आज संकल्प लेता हूँ कि परचेज यूवर ग्रुप से मैं 100 बिजनेस वैल्यू से लेकर, 1 रुपए बिजनेस वैल्यू से लेकर के जितनी भी है उनको प्रॉपर मैं फॉलोअप करूंगा, टीम को भी जिम्मेदारी दूंगा। आज बहुत बड़ा हमको खजाना मिला सुजीत सर से, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सर, आपने हम लोगों को बिल्कुल जामवंत की तरह जगाया है। दूसरा मैंने सीखा आनंद मिश्रा सर से कि नो मोर मोर मीटिंग मोर मनी, नो मीटिंग नो मनी। तो हमको मीटिंग सेमिनार खुद भी अटेंड करना है और हमारी टीम को भी कराना है, क्योंकि ये जो मीटिंग सेमिनार होता है बिल्कुल रडार की तरह काम करता है। अगर किसी व्यक्ति को हम 15 दिन अगर इसे छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल आरसीएम दिमाग से निकल जाता है। अगर हमारी खुद की बात करें, हम अगर सिस्टम से 15 दिन आउट हो जाएं या कुछ दूसरे काम में हो, तो इतने दिन से किया हुआ काम जो है लगता है कि हम जो है आरसीएम से, हमारे दिमाग से निकल जाती है। इसलिए
सिस्टम पे बने रहना है। ओवर टू अमित सर। यस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आगे हम लोग चलते हैं, दीपक शेंगुले सर प्लीज अनम्यूट करें। सर आज मैं दो संकल्प लेता हूँ, मिश्रा सर ने जो बताया कि मैं संकल्प लेता हूँ कि हर महीने कम से कम एक बड़ा यूएस का जो फिजिकल सेमिनार हो रहा है हमारे नजदीक वाले एरिया में, वहां पे पूरे टीम के साथ वहां प्रेजेंट रहूंगा। और दूसरा, जैसे कि लर्निंग इज बोरिंग प्रोसेस, बट डेली मैं अभी संकल्प लेता हूँ कि 30 मिनट मैं खुद पढ़ूंगा और टीम में भी वही आदत लगाऊंगा। थैंक यू सर। यस थैंक यू सो मच सर। विद्या शाहू सर प्लीज अनम्यूट करें। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप प्लीज अनम्यूट करें एक बार, शायद नेटवर्क का कुछ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर जी, आवाज आ रही? यस सर प्लीज। सर आज आज शानदार बातें सीख मिली सर, आज आज सफलता का एक महामंत्र जो हमारे टीचर की बुक्स हैं उसको लगातार हमको रीडिंग करना है, और लोगों का बिजनेस है सर, इसलिए इसको जन जन तक उनकी कामयाबी उनकी सफलता के लिए इसको लेके जाना है। ये आज को शानदार सीखने में, और मैं इसे बिल्कुल मिशन में, और जैसे सर ने कहा बिल्कुल। सर आपका थोड़ा सा नेटवर्क का चैलेंज आ रहा है, कुछ आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, एक बार हम चलेंगे। आत्म गौरव जी प्लीज अनम्यूट करें। सर आज सुजीत सर के बहुत शानदार चीज बताए, जैसे हम लोग आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल खोलते हैं और दीप एजुकेशन है वो शानदार है और लोगों को हम लोग नहीं बता पाते हैं, अब दीप एजुकेशन से हम लोग बताएंगे और न्यू कस्टमर है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग अति करेंगे, और कस्टमर को हम लोग जो 50 BV करते हैं वो सबको हम लोग ज्यादा से ज्यादा कराएंगे। और अनदिया मिश्रा सर जिन्होंने बताया हार्ड स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, अगर आप हम लोग जैसे परचेज दूसरे के लिए करते हैं और कोई आपके लिए काम करने वाला होना चाहिए। थैंक यू सर। यस थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम लोग, कालू लाल टेलर रावरिया सर, रावलिया सर प्लीज अनम्यूट करें। जी सर आज का सेशन बहुत ही गजब का रहा सर, मैंने ये सारे पॉइंट नोट किए हैं और इसमें से मैं विशेष तौर से जान रखूंगा सर 99% जो मीटिंग और सेमिनार का रिजल्ट बताया उसके ऊपर फोकस। दो साथियों पुराने दो नए साथ दो पुराने साथियों को हमेशा इस सिस्टम में लाने की कोशिश करूंगा सर, और इससे पहले जो मेरे में कुछ जो कमी रह रही थी ये जितने भी नोट पॉइंट नोट किए हैं उसके ऊपर मैं सुबह से ही इसका कुछ फॉलोअप करने की तैयारी करूंगा सर, बहुत ही अच्छा रहा। ओवर टू अनिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। श्रवण सर। सर आज के सेशन को लेके मैं दोनों ग्रुप को सर नमन करना चाहता हूँ कि आज सर 10 साल पुरानी आदतों को ताजा कर दिया हमारे सर ने, अनंत मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद और सुजीत सर को। सर बचपन से ही मैं जब से इस सिस्टम को लिया हूँ तब से सर मैं टूल्स का बहुत प्रिय रहा हूँ, इस्तेमाल करता हूँ और टूल्स ही मेरा ताकत है। और मीटिंग सेमिनार की बात करें तो आज तक जो भी मीटिंग मेरे एरिए में हुए हैं वो मीटिंग में कभी मिक्स नहीं किया, और मैं आज संकल्प लेता हूं कि आज जो टूल्स के बारे में बताया गया इस टूल्स को मैं लगभग 100 लोगों के पास मैं पहुंचाऊंगा, 6 एसोसिएट बायर के पास। और सर मैं संकल्प लेता हूं कि मीटिंग सेमिनार जहां भी होगी मेरा 100% नहीं 110% प्रयास रहेगा उस मीटिंग में एसोसिएट बायर को पहुंचाने का। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं, मनोज भोय सर प्लीज अनम्यूट करें। एक बार फोन आप सर ऐसे आड़ा कर लें और फिर अपने आप को अनम्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जेआरसीएम आज मैं प्रण लेता हूं सर कि प्रतिदिन हम जो काम करते हैं ज्वाइनिंग कराते हैं, लेकिन उसमें हम एक कड़ी और जोड़ेंगे सर कि प्रतिदिन एक साथी को हम डायमंड क्लब कराएंगे, खुद का तो होता है लेकिन हम प्रतिदिन नई ज्वाइनिंग के साथ एक पुराने साथी को जगाते हुए, जैसे सर ने बताया सर कि एंटीना खड़ा करना है पूरी साथियों का, तो उस प्रकार से मैं आज प्रण लेता हूं सर कि प्रतिदिन मैं अपने एक साथी को नए साथी को डायमंड क्लब कराना कल से चालू करूंगा। धन्यवाद सर। यस बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आगे हम लोग चलते हैं इसी कड़ी में, हमारे बीच में है दिनेश सिन्हा सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर जी। सर आज हमारे
गुरु सर को लीडर मिस्टर सुजीत सर ने बहुत शानदार पॉइंट सर अपने को बताया सर। जैसे सर उन्होंने बताया कि अभी सर लोग हमारे साथ ज्वाइन तो कर रहे हैं सर, लेकिन लोगों को हमको रोक कर रखना है, उसको रिटेन करना है। तो सर रिटेन सर तभी हो सकता है जब हम बार बार लोगों को फॉलोअप करें, बार बार लोगों को एक बार उनका अगर सामान खरीदी हो जाता है लेकिन नेक्स्ट मंथ क्यों नहीं हो पा रहा उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे सर। तो इसमें मैं संकल्प लेता हूँ आज से मैं इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से पूरे टीम में काम करूंगा। और जो सर ने बताया अनिंदा मिश्रा सर ने कि सर आरसीएम में जो सर कामयाबी सर हमको आरसीएम को एक मिशन मान के काम करना पड़ेगा तभी सर आरसीएम में सर हम बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और सर ने लास्ट में एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि दो पुराने लोगों को जगाने का काम अपने को रोज करेंगे सर तो हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सर। तो ये सर संकल्प मैं लेता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आगे हम लोग चलते हैं सर। बीपी तिवारी सर प्लीज अनम्यूट करें। जी सर, कटनी एमपी से इंजीनियर बीपी तिवारी। सर निश्चित रूप से माननीय सुजीत सर और माननीय मिश्रा सर ने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बताए हैं। सभी में काम करने की जरूरत है, जैसे नए लोगों को शामिल करते रहना ये निश्चित रूप से बड़ी निशानी है। इसका संकल्प लेता हूँ कि मैं लगातार नए लोगों को शामिल करूंगा अपने टीम में और लोगों से कराने का प्रयास करूंगा। पुराने लोगों को संभाल के रखना, निश्चित रूप से ज्वाइनिंग बड़ी मुश्किल से होती है और वो ज्वाइनिंग होने के बाद यदि वो लोग छूटते हैं ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, तो उसको संभाल के रखने का संकल्प लेते हैं हम। साथ ही खरीदारी में फोकस करें, जिसकी 100 रुपये 200 रुपये की 300 रुपये की खरीदारी होती है उनको हमें इंक्रीज करना है। यदि हम 200 वाले को 1000 में ला लेते हैं तो हमारे निश्चित रूप से 300% का काम जो 400% का होता है। इस तरह उसमें ध्यान देना है। खरीदारी करने वाले लोगों को बढ़ोतरी करना, जो 80% लोग खरीदारी नहीं करते हैं उसमें ध्यान देना है। और इसी तरह से लोगों से सोशल इंगेजमेंट यानी हमें संबंध बनाना, इस तरह से माननीय श्री सर ने ये 5 पॉइंट बताए। तो उसने काम करते हुए माननीय मिश्रा जी की खास दो बातों पे कि हमें ये 8 लोगों की वो जो हमारे 8 लोग निगेटिव है उनको इधर एक तो नो कर दिया, दूसरा हमारे साथ आ गया, लेकिन 8 लोग निगेटिव है उनको हम लाने के लिए मीटिंग सेमिनार में प्रमोट करें, उनको लाने का प्रयास करें। और पुराने जो लोग डेड है उनको जगाने का भी इस प्रकार से बहुत ही बेहतर इस सबका संकल्प लेता हूँ, इसमें सभी बिंदुओं पर काम करने का संकल्प लेता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। फेकर नायक सर प्लीज आए। थैंक यू सर। आज हमें जानकारी मिला कि ज्वाइनिंग जो हमारा है 1% रिजल्ट है, आपका सर थोड़ा सा नेटवर्क का चैलेंज आ रहा है। हाँ सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है, शायद कुछ नेटवर्क का चैलेंज है सर, हम आपको वापस एक बार लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। मंजू श्री दीदी प्लीज आप अनम्यूट करें। मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। तो बहुत अच्छा लगा सर, आज सचमुच हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है और गर्व का विषय है कि हमें डायनामिक कोल लीडर मिला है सीखने के लिए। तो मैं जो सुजीत सर ने बोला ब्रांड अवेयरनेस पे मैं काम करूंगी, अगर इसमें काम करूंगी तो मेरा कंज्यूमर इंक्रीज होगा। और जो बुक रीडिंग का बात है ये मैं चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मिनिमम 30 मिनट में बुक रीडिंग करूंगी। और जो हमारा पुराना साथी है, साथी लोग को जगाने का काम करूंगी और मीटिंग सेमिनार इवेंट में अपने साथियों को लेकर मैं प्रेजेंट रहूंगी। आज सबसे बड़ी बात है जो कम्फर्ट जोन से बाहर आकर मैं काम करूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। आगे हम लोग चलते हैं। अनीता भारती मैम प्लीज आप अनम्यूट करें। थैंक यू सर। आज दोनों सर ही ने बहुत ही अच्छे बताए। देखिए जो काम हम लोग को करना चाहिए वो काम हम लोग नहीं करते हैं और जो काम नहीं करना चाहिए वही काम करते हैं। बस आज से संकल्प लेते हैं कि सर 5 ही हम लोग महिलाएं में ये तो गुण होते हैं कि फुसकना होता है, तो 5 ही लेडीज को डेली कान में फुसकेंगे तो वो 10 आदमी के पास जरूर चल जाएंगे। इसलिए मैं संकल्प लेती हूँ कि सर जितना भी आज सर ने बताया सारी चीज को हम नोट किए हैं और उस पर हम काम करेंगे सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। आगे हम लोग चलते हैं। पीर मोहम्मद सर प्लीज वेलकम। सर मैं संकल्प लेता हूँ सर सप्ताह में कम से कम 5 दिन
प्रत्येक दिन तीन पुराने साथियों से मिलूंगा जो 25-50 विवी कर रहे हैं, उनसे कम से कम 1000 विवी कन्वर्ट कराऊंगा सर, और ये बार बार फॉलो करूंगा, ये मैं अपना संकल्प लेता हूँ। और 99% जो सेमिनार मीटिंग में फोकस करूंगा, 99% जो हम लोग कम फोकस करते हैं, जरूर जरूर सर फोकस करूंगा, मैं संकल्प लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आगे हम लोग चलते हैं इसी कड़ी में, ओम प्रकाश लोढ़ी सर प्लीज अनम्यूट करें। हाँ सर, जय आरसीएम। आज का सेशन सर बहुत ही जानदार शानदार रहा है, और आज के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें जो कुछ जो काम हमको नहीं करने चाहिए उन पर हम फोकस करते हैं, जो करना चाहिए उस पर हम फोकस नहीं करते। लेकिन मैं आज संकल्प लेता हूँ कि लगातार दो लोग जो हमारे टीम में जो है, मतलब प्राणों को जगाना है, नए को जो हमें फोकस करना है, जो नए लोग जुड़ेंगे होम मीटिंग लगातार कंटिन्यूस अपनी टीम में लगातार रखेंगे, और जो आपने जो थोड़ा सा इंडिकेट हमारी आंखों को खोलने का प्रयास किया कि हम जो 100-200-500 को जो मतलब लोग करके लाते हैं उस पर हम उनके हाल पर छोड़ देते हैं, उनको मतलब इसी बात पर दोहराएंगे कि भाई हमारे यहाँ इतना बड़ा खजाना है, आप हीरे के खान में जाकर के भी अगर दो ही हीरे लेके आ रहे हो, अगर या दो ही सर्फी लेके आ रहे हो जहाँ लाखों करोड़ों सर्फियों का भंडार बड़ा है, तो सर आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। बस इतनी ही बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और यह संकल्प लेता हूँ कि ये लगातार दो लोगों को जगाऊंगा और किताब पर अपनी टीम को लाने का प्रयास करूंगा, और नए जो प्रोग्राम जो सेमिनार होते हैं उसमें टीम को बढ़ चढ़ करके लाने का प्रयास करूंगा, और 13-14 नवंबर का जो प्रोग्राम आ रहा है उसमें अपनी टीम का कम से कम 100 लोगों को ले जाने का प्रयास। जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, संजय PAN के नाम से हैं सर, प्लीज अनम्यूट करें। हम लोग डोर टू डोर मार्केटिंग करने के लिए हम संकल्प लेते हैं सर जी, आज के बाद 3 लोग चल जाएंगे। थैंक यू सर। आगे चलते हैं हम लोग, रवि चावला सर, एक बार आप थोड़ा फोन को नीचे करें सर और अनम्यूट करें प्लीज। सर जी आरसीएम, हम लोग चलेंगे आगे थोड़ा सा। आशा ज्योति मैम प्लीज आप अनम्यूट करें। थैंक यू। और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार हुआ, हमने अपने दो रिस्पेक्टेड सर आनंदो मिश्रा सर और सुजीत सर से जो प्रोग्राम के बारे में सुना, जो जानकारी आज हम लोगों को मिली वाकई में काबिले तारीफ है। अगर हम लोग इसका फॉलो अब अपनी लाइफ में करते हैं तो कभी भी हम लोगों को पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं लगेगा, और हम लोग एक अच्छा खासा बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, हम लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि सर ने बताया कि हम लोग एक मिशन बनाए तो ही हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो हम लोग अपने जीवन में इस मतलब कीमती पंक्ति को अपने जीवन में उतारे, और आज मैं संकल्प लेती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मीटिंग सेमिनार में अटेंड कराऊंगी। और जैसे कि सर सुजीत सर ने कहा कि जो टीम में खरीदारी बहुत ज्यादा कम हो रही है, जहाँ पे लोग 50 भी कर रहे हैं, उसका कारण को ढूंढिए और लोगों को ये बताइए कि उसका रीजन क्या है। तो सबसे ज्यादा उन लोगों को फॉलो अप करना है, मीटिंग सेमिनार में लेके आना है। आज मैं संकल्प लेती हूँ कि दोनों बातों को पूरा करूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। आगे चलते हैं, खिलराज सर प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू हमेशा, दोनों शानदार था सर। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम जीना चाहेंगे तो हम लोग का एक कोच होना जरूरी होता है, एक गाइडलाइन होना जरूरी है, और हम उनका गाइडलाइन में हमको रोज एक एक कदम हमको आगे बढ़ना है। और दूसरी काम क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो भी आदमी अभी तक सफल हुए उन्होंने पहले सपने देखे, अपने देखने के लिए लोगों को प्रेरित किए और अपना टारगेट को लगातार पकड़ते हुए आगे बढ़े। हमको इसी सिस्टम को फॉलो करना है। जो भी साथी हम इस सिस्टम में आए, डायरेक्ट सेलिंग में आए, तो टारगेट अगर आपका पास में नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। थैंक यू सर। यस, आगे चलते हैं हम लोग सर, MK सोनी सर आप प्लीज अनम्यूट करें और अपने फोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में करें सर, प्लीज वेलकम। जीआरसीएम सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज आज तो कमाल का ट्रेनिंग हुआ सर, और एकदम मतलब जो चीज एकदम निचोड़ है वो चीज हमको मिला, और हम गुरुदेव जो सुजीत सर हैं और आनंदो सर हैं उनके हम आभारी रहेंगे कि आज की जो ट्रेनिंग हमको मिली है। मुझे लग रहा है कि जितने साथी आज सुने हैं इस प्रोग्राम्स को, इसकी निचोड़ अगर निकाल लिया तो बहुत बड़ी काम कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स है। हम रियली जो एक्चुअल में परचेजर हैं वहां पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, तो गुरुदेव लोगों ने आज हमको उस चीज के ऊपर फोकस कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय आरसीएम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और
आज जो हमारे बीच में बहुत सारे साथी संकल्प नहीं ले पाए हैं, लेकिन हमने जो इस सेशन को देखा है, हमने नोट किया है, तो हम सब लोग अपने अंदर अपनी उस संकल्पों की डायरी में उन सभी चीजों को नोट करें और उस पर काम करना शुरू करें। और हम स्पेशल फिर से एक बार रेस्पेक्टेड सुजीत सर का और रेस्पेक्टेड अनिंदो मिश्रा सर का धन्यवाद करना चाहेंगे दिल से, कि जिन्होंने इतने कम समय में हमें वो खजाने दिए हैं कि अगर हम सभी लोगों ने उस पर काम किया तो रिजल्ट अप्रत्याशित होंगे, रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती वक्त देने के लिए हम लोगों को। ऐसे ही हमें यूएस का साथ और हमारे सीनियर लीडर्स का साथ मिलता रहा तो हम सभी साथी इस सेशन के माध्यम से एक कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और सभी साथी अब हम लोग आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा जो यूट्यूब चैनल पर है उसको देखें और फिर से जिन्होंने नहीं देखा उनको दिखाएं और इसका फायदा दिलवाएं। तो थैंक यू सो मच सर, आज के इस प्रोग्राम को हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। तो सर ओवर कर दें आज के प्रोग्राम को। यस सर। चलिए आज के प्रोग्राम को हम लोग ओवर करते हैं और फिर कल मिलते हैं नए प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए जय आरसीएम।